के लिए। कुछ आगे खबरों का रुख कर लेते हैं। मेडिकल कॉलेज में प्रशासन का विरोध, मेडिकल कॉलेज में प्रशासक नियुक्त का मामला जो है वो सामने आया है। एमपी में मेडिकल स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं। गांधी मेडिकल हमीदिया अस्पताल में प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स। 22 नवंबर को कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। काली पट्टी बांधकर ये जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के वो काम कर रहे हैं। एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, मध्य प्रदेश को लगातार इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से हमीदिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए पहले नजर आए थे। एमपी में मेडिकल स्टूडेंट्स अब विरोध कर रहे हैं। गांधी मेडिकल हमीदिया अस्पताल में प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। काली पट्टी बांध कर काम कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स। 22 नवंबर को कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ऑनलाइन गेम्स को लेकर अब बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जल्द ही ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। छात्र की मौत के बाद कानून बनाने की हुई थी घोषणा। तो ऑनलाइन गेम्स के जरिए अक्सर ही जो बच्चे हैं इसकी लत में होते हुए दिखाई देते हैं, उनको इसकी आदत हो जाती है और ऐसे में कई बार ऐसी भी नौबत आ जाती है कि छात्र मौत को गले लगा लेते हैं। अब छात्र की मौत के बाद कानून बनाने की जो घोषणा है वो दरअसल कर दी गई थी। अब ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और साथ ही साथ इससे बच्चों को खासा सहूलियत जो है वो हो जाएगी। जो बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स के आदि हो जाते हैं, उनके लिए ये राहत भरी खबर और साथ ही उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी राहत भरी खबर। अंतागढ़ में नक्सलियों का तांडव जारी है। नक्सलियों ने एक बार एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम दिया। नक्सलियों ने पहले मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया और उसके बाद अंतागढ़ नारायणपुर स्ट्रीट हाईवे 5 पर पेड़ काटकर रास्ते के बीचों बीच रखकर हाईवे को जाम कर दिया। तीसरी घटना कोयलीबेड़ा में अंजाम दी गई, जहां कोयलीबेड़ा से कांकेर जा रही एक बस में आग लगा दी गई और यहां पर भी एक मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस नक्सलियों से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। नक्सलियों की कायराना करतूत यहां पर सामने आई। तीन अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया गया। पहले तो पेड़ काटकर यहां पर रास्ता रोक दिया गया, उसके बाद मोबाइल टावर को भी आग के हवाले कर दिया गया। अंतागढ़ में नक्सलियों का उत्पात इस कदर नजर आ रहा है कि वो अपनी कायराना हरकत को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। जयंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, नक्सलियों की कायराना करतूत जो है वो सामने आई है, क्या किसी तरह की कोई जनहानि इस पूरे मामले में हुई है, क्या जानकारी? देखिए, जनहानि की खबर तो नहीं हुई है, पर बीते रात से नक्सलियों ने 8 से 9 जगह जो है, 9 जगह टोटल जो है नक्सलियों ने घटने को अंजाम दिया है। कल रात में तकरीबन 8-9 बजे के आसपास खांजुर क्षेत्र के परलकोट में PB-45 पे नक्सलियों ने मोबाइल टावर को आगजनी किया। फिर उसके बाद अंतागढ़ से नारायणपुर के स्टेट हाईवे क्रमांक 5 में बोंदानार के पास पेड़ काटकर मार्ग अवरोध किया और सुबह सुबह जो है कोयलीबेड़ा थाना से महज 1 किलोमीटर दूर बाजार पारा में जो नई बस थी, हबीब बस ट्रेवल्स जो निजी बस है, उसके वाहन पे उसकी गाड़ी पे आग लगा दिया। बस पे वो जो बस है कोयलीबेड़ा से कांकेर जाया करती थी, उस सुदूर अंचल में एकमात्र जो बस थी वो चला करती थी, उससे भी नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। चौथी जो घटना थी वो कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र से लगभग 3 किलोमीटर दूर जीरम तरई में मोबाइल का टावर है, निजी मोबाइल टावर है, उसको आग के हवाले कर दिया। पांचवी घटना जो थी कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के ही सही मरकानार पे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़क बन रही है उसमें लगी वाहन जेसीबी हाइवा ग्रेडर ट्रैक्टर इन सब कुछ ने आग के हवाले कर दिया। छठवीं घटना जो है अंतागढ़ के सिरसांगी में मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। सातवीं जो है मर्दा में पेड़ काट के नक्सलियों ने आग के पेड़ काट के मार्ग बाधित किया। आठवीं जो घटना है वो बदरंगी में मोबाइल टावर को आग के हवाले किया और
जो नौवीं घटना है वो जो है आमाबेड़ा से कांकेर जाने वाली जो मार्ग है इसमें पेड़ काटकर मार्ग को अवरोध कर दिया। बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर टावर को आके हवाले कर दिया गया है, पेड़ को बीचों बीच रख दिया गया रास्ते पर ताकि जो रास्ता है उस पर प्रतिबंध लग सके। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो लगातार नक्सलियों की कायराना हरकत जो है वो इसमें देखने को मिल रही है और लगातार घटनाओं को अंजाम भी उनकी ओर से दिया जा रहा है। उज्जैन रेलवे स्टेशन में रविवार रात बड़ा हादसा होते होते बच गया। प्लेटफॉर्म नंबर 8 में खड़ी इंदौर रतलाम पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने भीषण रूप ले लिया और कुछ ही देर में पूरी बोगी धू-धू करके जलने लगी। उज्जैन रेलवे स्टेशन में हड़कंप मच गया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने पर आग लगने की वजह का पता लगाया जाएगा। कुछ जला हुआ है और वो जो इंदौर रतलाम बिना पैसेंजर का कोच है जो यहाँ 8:30 बजे आके खड़ा हुआ है। अभी बाकी चीज़ें तो जो भी इसका रीजन तो अभी कहता है ना जल्दीबाजी होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा। और चलिए